हेलो हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की क्लास मैं मैथमेटिक्स में, जिसमें न्यू क्लास और न्यू टॉपिक, फ्रेश टॉपिक होगा आज की क्लास में आपका, जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स की चल रहेगी। और सबसे पहले बात चलाने से पहले, आपको आगे बढ़ने से पहले आपको एक बड़ी सूचना देना चाहता हूँ कि दोनों अब मैथमेटिक्स के दो क्लासेस होने वाली है, जिसमें आपका एक तरफ एडवांस मैथ चलेगी और एक तरफ आपकी जनरल मैथ चलेगी। अब आप किसी भी प्रकार की किसी भी प्लेटफॉर्म दूसरी जगह जाने या भटकने की जरूरत नहीं है, आपकी हर समस्या का समाधान क्लियर किया जा रहा है। अब आपके पास प्रतिदिन दो मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी, चाहे कुछ भी हो, क्या भी करना पड़े मेरे को, कुछ भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, मैं आपके समक्ष अब बोल दिया है कि दो क्लासें प्रतिदिन आपको मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी, तो जरूर मिलेगी। और आप किसी भी प्रकार के, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो लाइक सब्सक्राइब को दबा लिए, जिससे आपकी हर प्रकार की जो भी आपको सूचना है वो अच्छी रूप से मिल जाए। अब आपका और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि चैनल पर फर्स्ट बार हो और यदि क्लासों देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, तो आप पूर्ण रूप से क्लियर देखिए एकदम, यानी पूरी जानकारी के तथ्य के और पूरे तथ्य के साथ पूरी लगातार देखिए, जिससे आपकी हर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा। आप क्या है कि स्किप करके चले जाते हो, जिससे आपकी जो कोई कोई भी चीज है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाती है। और आप देखते हो कि ये इस प्रकार से कंटेंट है इसका, मैंने हालांकि आपने खूब बताया कि कंटेंट में कोई कमी नहीं है, फिर भी आप स्किप करके देख रहे हो तो यह आपको ही नुकसान होने वाला है। इससे यही है कि आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी को परखें और एग्जाम को एग्जाम के अनुसार कार्य कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार का आपका इसमें भविष्य सुधर सकता है। और अब अगर हम आगाज शुरू ही कर दिया तो अब किस बात से डरना है। अगर मैंने आपको कह दिया है, इस प्लेटफॉर्म पर आकर कह दिया कि दो मैथमेटिक्स की क्लास होगी, तो जरूर होगी। आज इसके अंतर्गत मैंने आज जो आपकी दूसरी मैथ है उसके अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप, जिसमें सांख्यिकी कहलाती है, उसके बारे में जानकारी करेंगे और इसकी क्लास आगे तक विस्तार के रूप में चलाएंगे। और अगला उस जनरल मैथ में आपके पास समानुपात के जो आपके है ना रेशियो अनुपात, वो आपके कार्य करेंगे, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अब आपको फुल रूप से तैयारी करनी है, जिससे आपकी हर कंपटीशन के क्षेत्र में आप सफलता की कदम छू सके। तो हम अब चालू करते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति सांख्यिकी। अब यह सांख्यिकी होती क्या है, इस सांख्यिकी हमारे को जरूरत में क्यों जरूरत पड़ी, इसको पढ़ाने की, और क्यों हमारे टॉपिक में अंतर्गत जोड़ा गया। सांख्यिकी एक मान यह होता है कि डेटाओं का संग्रह होता है, डेटाओं का स्टोरेज। अब डेटा का स्टोरेज अनेक प्रकार के विविध रूपों में किया जा सकता है। अब डेटाओं का विचार अनेक प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कोई भी आपकी कोई भी आपका डेटा संस्करण भी प्रधारण करने के कारण, भाई किस प्रकार से हम डेटा को प्रतिग्रहण या किसी भी स्थिति के अंतर्गत मूल रूप से उसका मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी आपके पास लंबी लार्जेस्ट संख्या आ जाए और लार्जेस्ट संख्या आने के कारण यदि आप उसका मूल्यांकन ज्ञात कर सकते हो, एक शहर की आप जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से निकाल सकते हो, यदि आपके पास अनेक प्रकार की कोई एवरेज, यानी ये एक रिलेटेड चैप्टर आपके जो एस एवरेज है ना, जनरल मैथ में मैं आपको एवरेज पढ़ाया था औसत, वही का ये काम करेगा और उसी के अनुसार ये कार्य करेगा। तो आप यदि चैनल पर पढ़ पा रहे हो तो जो मैंने आपके एवरेज वाला चैप्टर करा चुका हूं, उस चैप्टर को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, जिससे आपकी जो भी यहां कोई भी कॉन्सेप्ट बनता हो वो क्लियर रूप से हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सांख्यिकी किस प्रकार से बात करी और क्यों इसका विश्लेषण या अध्ययन करना चाहते हैं। तो हम इनके अध्ययन में जो भी आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, सांख्यिकी को दो भागों में उपभाषा है, इसकी उपभाग है दो, एक तो गणितीय विवेचना। अब गणितीय विवेचना हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, एक तो गणितीय विवेचना आपकी होगी, गणितीय विवेचना या माध्य, और एक आपकी स्थिति माध्य, गणित स्थिति विवेचना या माध्य।
अब यहाँ मैथमेटिक्स और स्थिति स्टैंडर्ड माध्यमिक यहाँ क्यों जरूरत पड़ी, इसके दो उपभाग। गणित विवेचना का कहने का मतलब यह है कि आप आवश्यक रूप से मैथमेटिकल के रूप में कोई भी आपके पास डेटा संग्रह आ जाता है, उस डेटा संग्रह को गणितीय व्याकरण की स्थिति से, मतलब जो आपका हिंदी व्याकरण होता है उस हिंदी व्याकरण को आप संधि है उस संधि विच्छेद को आप अच्छी तरह से कर सकते हो। अनेक आपके पास वर्ड पाव या हिंदी के जो भी कॉन्सेप्ट है व्याकरण के, वो आप अच्छी तरह से विच्छेद कर सकते हो। इसी प्रकार आपके पास ये गणितीय विवेचना है जिसमें आपके पास सांख्यिकी कोई भी डेटा है, यदि आपके पास जानकारी हो, यदि गणितीय सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो आप उसको अच्छे मतलब एक्सप्लेन की करने की कोशिश करोगे। भाई हम उस चैप्टर को या उस गणितीय तार्किक की स्थिति को किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर इनके अनेक प्रकार के कॉन्सेप्ट पर आधारित कार्य कर सकता है। जबकि यहाँ स्थिति स्टैंडर्ड विचेज माध्य का यह है कि इसी का एक ही रूल होगा जो एक कटिबंध रूप के अंतर्गत रहेगा, जिसमें आप किसी पर प्रकार की भेदभाव स्थिति का नहीं कर सकते, किसी भी रूप या रूल नियम नहीं लगा सकते। इस प्रकार का जो आपको स्टैंडर्ड मान दिया होता है उसमें किसी एक रूल के पर्टिकुलर आप रूल लगा के उसमें प्रतिच्छेदन या आच्छादन की व्यक्ति स्थिति का ज्ञान नहीं कर सकते। अब यहां आता है कि आपके गणित विवेचना के अंतर्गत कौन कौन सी स्थितियों का ज्ञान करवाती है। तो यहां आपके पास गणितीय विवेचना के अंतर्गत आपके पास तीन प्रकार की स्थिति आती है जो आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। समांतर माध्य, सबसे पहले गणितीय माध्य में समांतर माध्य, दूसरा आपका आता है गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, और तीसरा आपका आता है हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य मीडियम मीन मिडिल मीन, और ये आपका जीपी, और ये आपका एचएम। अब यहां स्थिति माध्य में जो आपका माध्यिका हो गई, बहुलक हो, इसी स्थिति का बोध करवाता है। आप जो भी आपका समांतर माध्य है इसमें अनेक प्रकार से रूल नियम लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। जबकि यहां माध्यमिक और बहुलक के अंतर्गत आपको विशेष पर्टिकुलर रूप या रूल दिया होता है जो इन पर निकाला जाता है। तो मैंने आपको बताया कि आज कि इस चैप्टर की शुरुआत करने में आपके पास ये हम पांच प्रकार की चीजें यहां पढ़ने की कोशिश करेंगे, पांच प्रकार की चीजें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं जो आपका ये हरात्मक माध्य है, ये हरात्मक माध्य आपका गुणोत्तर, आपका एक टॉपिक चलता है एपी जेपी एचपी, मतलब समांतर माध्य या समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, जो आपके अलग से चैप्टर है उसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। अब यहां रिलेटेड चीज आपके पास एक तो समांतर माध्य पढ़ना होगा, गुणोत्तर माध्य पढ़ना होगा, जिसमें आपकी सबसे बहुलक और माध्यिका स्थिति का ज्ञान करवाना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की शिरोमणि, समांतर माध्य होता क्या है जो आपने अच्छी तरह से निकालना है। अब समांतर माध्य इस प्रकार की होती है कि आपके जो भी किसी भी प्रकार का डेटा होता है, मतलब अनेक प्रकार की संख्या में डेटा होता है, और अब आप घबराने की आवश्यकता न करें, आपको जो भी कंटेंट मिलेगा तो वो अच्छी तरह से मिलेगा, सटीबंध से मिलेगा। और आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक चीज पर किसी पर एकाचित होकर विश्वास के रूप में आप मुझे विश्वास करके या आप पर विश्वास कीजिए, जिससे आप विश्वास करोगे तो आपका मनोवन और जो भी आपकी ऊर्जा वाहन होगी वो आपको सक्सेसफुल में दिलाने की कोशिश करेगी। और यदि आपको किसी भी प्रकार के क्षेत्र में या मैंने या किसी भी और भी क्षेत्र में आप अगर विश्वास नहीं कर सकते तो आप सफलता में बहुत कठिनाई आ सकती है। सबसे बड़ी आपकी बात यह है कि पढ़ाई करने से पहले कि आप उस चीज पर विश्वास कीजिए, विश्वास करोगे तो आपके जो भी आसान
कार्य हैं, जो भी मुश्किल कार्य है वो आसान होने लग जाएंगे। तो अब देखिए समांतर माध्यम होता क्या है। सबसे पहले हम समांतर माध्यम पढ़ेंगे। समांतर माध्यम, सबसे पहले हम समांतर माध्यम पढ़ेंगे। अब यहां समांतर माध्यम का किस प्रकार से हम आंसर निकालते हैं, होता क्या है ये एक समांतर माध्यम। आपको यह भी पता है कि समांतर माध्यम एक गणितीय प्रवृत्ति का माप है, जो आप अच्छी तरह से विश्लेषण के रूप में कर सकते हो। और इसका उपयोग हम मानते हैं कि जिस प्रकार का आपका औसत मान होता है, इस औसत मान को निकालने के लिए, औसत मान को निकालने के लिए किसी के भी प्रकार की जो भी आपकी डेटा होती है, डेटा इक्वेशन दे रहती है, उसका औसत मान निकालते हैं। समांतर माध्यम से प्राप्त पद विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। अब यहां समांतर माध्यम से जो भी आपके पास पद विचलन होते हैं, पद विचलन होते हैं, इन पद विचलनों का मान हमेशा समांतर माध्यम में शून्य होगा। पद विचलन निकाला समांतर माध्यम से, तब इनका योग हमेशा जीरो होगा, इनका योग हमेशा जीरो होगा। ये आपके रूल है, आप रूल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि रूल किस प्रकार से समझाया जा रहा है कि माध्यम हमेशा प्राप्त होने वाली पद विचलन हमेशा शून्य होगा, योग योग हमेशा शून्य होगा, ध्यान बात का योग हमेशा शून्य रहेगा। और जो भी आपका पद विचलन होगा, इन पद विचलनों का वर्ग करोगे आप, इन वर्गों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होगा, वर्गों का योग हमेशा। समांतर माध्यम में आपका जो भी पद विचलन निकलेगा, उस पद विचलनों में जो भी आपके पास वो संख्या आएगी, उन संख्याओं का आप वर्ग करोगे, तो जो भी आपके वर्गों का योग होगा, निकलने वाली संख्या का वर्ग का योग करोगे, तो आपके पास हमेशा न्यूनतम संख्या आएगी। और यदि आप डायरेक्ट पद विचलन करो तो उसके मान हमेशा योग शून्य आएगा। और आपको एक कटिबंध लाइन के रूप में पढ़ाना चाहूंगा, एक साथ व्याख्या, यह एक गणितीय माप, इसका उपयोग उस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समांतर माध्यम में प्राप्त पद विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है, ए प्लस बी यानी शून्य होता है, और पद विचलनों में वर्गों का योग भी हमेशा न्यूनतम होता है। अब मैं आपके पास कोई डेटा लिख रहा हूं, उन डेटा को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के रूप में आपके पद विचलनों का योग जीरो होता है, यह दे रखा है कि पद विचलनों का योग हमेशा जीरो होता है। आपके पास कोई एग्जांपल है, पांच छ आठ, पांच छ आठ, दो जीरो सात, दो जीरो सात, तीन पांच नौ पंद्रह, यह कोई आपके पास अनेक प्रकार की संख्या है, इन संख्याओं में आपको समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालना, तो समांतर माध्य का आपको पता है अच्छी तरह से कि क्या करना है क्या नहीं, राशियों का योग, राशियों का योग बटा कुल संख्या, बटा कुल संख्या, ये निकालना है। तो यहां मुझे बताइए कि आपके पास कौन सी संख्या है, कोई कंडीशन आपके पास ये नहीं दे रही है कि समांतर माध्यम में आपको अगर कोई कंडीशन दे रहता है आरोही क्रम में या आरोही क्रम में इस प्रकार से लिखे या नहीं लिखे, आपको डायरेक्ट आंसर से निकालना है समांतर माध्य किस प्रकार से निकालना है। तो आपके पास ये कितना आएगा, दस दस ग्यारह, दस ग्यारह इक्कीस, इक्कीस 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 दस इकतीस, इकतीस नौ चालीस, चालीस बीस साठ, साठ ये कितनी संख्या है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, दस है। तो आपके पास समांतर माध्य इनका आया आपके पास छह आंसर, ठीक है कि छह समांतर माध्य आपके पास आया छह। अब यहां आपको यह दे रखा है कि जो आपका समांतर माध्य है इनके पद विचलनों का योग हमेशा शून्य आता है, तो पद विचलनों का योग हमेशा शून्य आता है तो वह किस प्रकार से आपके पास निकलेगा, पद विचलनों का योग, आपके पास योग निकला इस छह के अंतर्गत में से आपको जो भी आपके पास संख्या आए उन संख्या में से भाई वो संख्या कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। आप देखो मुझे ये बताइए कि आपके पास छह है तो यह मान इसमें एक आया, भाई आपका जो भी समांतर योग समांतर माध्य आया
उस समांतर माध्य में से आपको पद विचलन निकालना है, पद विचलन निकालना, और उन पद विचलन निकलेगा उनका योग करना है, और उनका योग करोगे तो आपके पास जीरो आना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपके पास समांतर माध्य आया छह, अब समांतर माध्य को आप छह में से घटाओगे तो एक आएगा, आपकी बड़ी संख्या है, यहां आपके पास जीरो आ जाएगा और ये दो आ जाएगा, भाई आपके पास प्लस में दो रह जाएगा, यहां प्लस में दो। अब यहां देखो छह बड़ी है चार छोटी है तो माइनस चार, ये कितने आने चाहिए, जीरो आनी चाहिए या छह आनी चाहिए, छह और जीरो है तो माइनस छह। ठीक है, आप प्लस एक छह से बड़ी संख्या है, माइनस तीन, यहां देखिए माइनस एक और ये कितनी बड़ी है तीन, और ये कितनी बड़ी है प्लस नौ। तो आप जिस प्रकार से आपकी प्लस वाली संख्या एक तरफ और माइनस वाली संख्या एक तरफ, लिखो कि आपके पास माइनस वाली संख्या एक पांच पांच दस ग्यारह 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 चार पंद्रह, तो पंद्रह तो आपके पास माइनस की रहेगी, और अब देखिए दो मतलब दो तीन 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 छह छह नौ पंद्रह, तो पंद्रह माइनस पंद्रह बराबर आपके पास पद विचलनों का योग हमेशा शून्य है, योग हमेशा शून्य है, ये मैं आपको प्रूव करना चाहता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी पर आधारित, देखो आपकी ये है ना ये केंद्रीय पर्वतियों के माप, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, हर कंपटीशन के क्षेत्र में किया जाता है, जबकि यहां आपके जो भी राजस्थान स्टेट लेवल की एग्जाम होती है उसके अंतर्गत केंद्रीय पर्वतीय के माप और आपकी जो भी रेलवे सर्विस लाइन होती है उनमें जो भी आपकी रेलवे और एनटीपीसी और अनेक प्रकार की नौकरियां वैकेंसियां होती है उनमें यह केंद्र पर्वतीय माप आते हैं और यह समझने में भी आसान होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से जानकारी के रूप में करवाना होगा क्योंकि ये चैप्टर आपके पास जो आपके दसवीं और आठवीं नौवीं इनके अंतर्गत भी चलता रहता है, जहां आपको इलेवन ट्वेल्थ के अंतर्गत अलग प्रकार से समीकरण को बनाना पड़ता था और बहुलक माध्यिका को और माध्य विचलन अनेक प्रकार की कंडीशन को देखना चाहता था, उसके लेवल तक के मैं आपके पास इस चैप्टर को ले जाऊंगा जिससे आपकी किसी भी प्रकार की कोई कमी न या कोई भी कसर ना रह सके। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊं कि पांच संख्याओं का योग, पांच संख्याओं का माध्य आपके पास 20 है, पांच संख्याओं का माध्य माध्य कितना है 20 है, वह संख्या x, वह संख्या आपके पास है x x प्लस 10 x x प्लस 10 x प्लस 30 x प्लस 30 x प्लस 35 व x प्लस 40, ये पांच संख्या है जो आपके पास पांच संख्याओं का माध्य कितना है 20 है, ये पांच संख्या है और इनका माध्य आपको दे रखा है, तो आपको ये भी ध्यान है कि माध्य निकालना है तो योग बटा संख्या और ये आपका औसत एवरेज यानी माध्य, ये इस प्रकार की कंडीशन। अब ये सूत्र कहां से आया और कहां से वेरिएशन किया, मैंने आपको एचएफ एलसीएम को अच्छी तरह से समझाया है और पढ़ाया है, उस एचएफ एलसीएम के अंतर्गत पूर्ण वर्ग संख्याओं का और निम्न प्रकार की समांतर माध्य संख्या होती है उनका औसत किस प्रकार से निकाला जाता है, वहां अनेक प्रकार से आपकी बहुत डिटेल के रूप में जानकारी दे रखा हूं, तो आप वहां से जाकर वहां पूर्ण रूप से जानकारी लीजिए। और कहने का मतलब यह है कि जहां आप यदि चैनल पर पहली बार हो तो आप पीछे वाली क्लासों को पूरी डिटेल अपने चैप्टर को क्लियर करते रहे और आसानी से समझते रहिए। तो इन संख्या का योग निकालना है हमारे, ये कितनी संख्या है पांच है और समांतर माध्य आपके पास पांच दे रखा है, तो आपको यहां डायरेक्ट करना है कि प्लस 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 प्लस। अब यहां देखिए कि x का मान कितना हो गया आपके पास, x का मान कितना हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव एक्स, फाइव एक्स प्लस दस तीस चालीस चालीस और पिछहत्तर, पिछहत्तर आपके पास 115, पिछहत्तर आपके पास 115 115 और ये 100 से गुणा मतलब 5 से गुणा जाएगा तो आपके पास 100 आ जाएगा। ठीक है, 5x प्लस 115 बराबर 100, तो 5x बराबर, तो 5x बराबर आपके पास 100 मतलब 100 माइनस 115, ये क्वेश्चन है भाई 100 5x बराबर 100, ये 100 इधर जाएगा और ये इधर 15 जाएगा तो माइनस के नेगेटिव के अंतर्गत आ जाएगा, तो आपके पास x का मान आया कि आपके पास x का मान आया 5x बराबर 5x माइनस 15, तो
तो एक्स बराबर माइनस 15 बटा 5 तो बराबर माइनस 3। यह संख्या है, यह संख्या आपके पास आंसर के अंतर्गत आई भाई, इसका समांतर माध्य माइनस 3 है। अब मुझे यह बताइए क्या आपकी जो संख्या थी उन पांच संख्याओं का माध्य आपको 20 दे रखा था और आपको x का मान निकालना है, तो आप x का मान देखिए, आपके पास x का मान इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से अगले संख्याओं में करेंगे कि कितना क्या है और कितनी कुछ है या नहीं। अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अब मैं एक दो तीन बातों और करना चाहता हूं, फिर से मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो भी आपका एचएफ एलसीएम है उस चैप्टर को अच्छी तरह से क्लियर कीजिए, जहां ये क्वेश्चन बहुत ही समझ में रियली समझ में आ सकता है। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई भी संख्या है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, कोई भी पास आपके पास संख्या है, उन संख्या में यदि आपके पास समांतर माध्य दे दिया जाता है, समांतर माध्य दे दिया जाता है, कि आपके पास कोई संख्या है उन संख्याओं का आपके पास समांतर माध्य दे दिया जाता है और उस समांतर माध्य में प्रत्येक स्थिति में माध्य जोड़ दिया जाता है, यानी माध्य नहीं प्रत्येक स्थिति में कोई संख्या जोड़ दी जाती है, कोई संख्या जोड़ दी जाती है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गुणा करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भाग करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन प्रकार की संख्या है, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन में समझाना चाहूंगा कि आपके पास एनीवन कोई भी संख्या दे दी जाती है, उन संख्याओं को देने के पश्चात आपको यह पूछ लिया जाता है कोई संख्या है उसका समांतर माध्य यह है वाई है, यदि वाई के अंतर्गत 5, 10 कितनी भी प्रकार की संख्या हो उन संख्या को जोड़ने पर आपके जो आपका समांतर माध्य होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी टाइप जहां आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है वह भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यह संख्या की एक मत भाषा के रूप में आपको पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी प्राप्त करवाएगा। तो यहां देखिए भाई किस प्रकार से आपका यह देखिए अब किस प्रकार से यह जानकारी को अवेलेबल करवाता है भाई, आपके योग में किस प्रकार की परिस्थिति को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब है कि क्वेश्चन में आपको पढ़ के समझाता हूं, 10 संख्या का माध्य 20 है, 10 संख्याओं का माध्य कितना है, माध्य है 20, 10 संख्याओं का माध्य है आपके पास 20, प्रत्येक स्थिति में 5 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा, और प्रत्येक माध्य में यदि इस समांतर माध्य में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जोड़ में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक स्थिति में यदि आपके पास कोई भी संख्या या जोड़ दिया जाए, जोड़ने घटने पर उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा यह आप मुझे अच्छी तरह से बताइए। बिल्कुल सर, आपका माध्यम में प्रभाव पड़ेगा, आपका माध्यम में प्रभाव जोड़ने घटने पर आपका मान के जो भी आपका संख्याओं में माध्यम दे रखा था उस पर प्रभाव के मान में आपको आवश्यक रूप से प्रभाव पड़ेगा। जो भी आपका माध्य दे रखा था उन संख्याओं में आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है भाई, कितने जुड़ा रहा है और कितने घटा रहा है उस प्रत्येक माध्य वाली संख्या के अंतर्गत जो आपकी माध्य वाली ये माध्य दे दिया है उन संख्याओं में से आपको जोड़ देना है और डायरेक्ट आंसर दे देना है। तो ठीक है, क्या है क्वेश्चन, तो क्या है, 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो क्या नया माध्य होगा, क्या नया माध्य होगा, तो आपके पास वही 15 करना है, तो 5 ये कितना है 20 + 5 तो आपके पास नया माध्य 25 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित और अब तो बस मैथ का बिगुल बजेगा। अब जो भी आपके कॉन्सेप्ट है दिक्कत कर रहे हैं
उन कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझें और किस प्रकार से हमको हैंडल करना है। एंड संख्या का माध्य एम है कि एंड संख्या है, इनका माध्य आपके पास एम है, यह माध्य एम है। यदि प्रत्येक संख्या को सिग्मा से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक स्थिति से सिग्मा से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, तो नया माध्य क्या होगा, तो नया माध्य क्या होगा। एन संख्या का माध्य एम है, यदि प्रत्येक स्थिति में सिग्मा से गुणा कर दिया जाए तो माध्य क्या होगा, नया माध्य क्या होगा। क्या करना है, बस आपके पास एन संख्या है और माध्य आपके पास एम है इंटू सिग्मा से गुणा करना है, तो आपके पास एम सिग्मा, ये क्वेश्चन आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित, जोड़ रहा है तो जोड़ दो, बैठा रहा है तो बैठा दो, और भाग करा रहा है तो भाग कर दो, किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करा रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए एबीसी का माध्य एम है, क्वेश्चन है एबीसी का माध्य क्या है आपके पास एम है, तथा ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो हो, वृत्त जीरो हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, मान क्या होगा। आपके पास क्वेश्चन है कि ए बी सी का माध्य माध्य है एम, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बराबर सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मुझे यह बताइए आपके पास मान क्या था कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन एक्स वाई तीन संख्या थी, टोटल संख्या थी, और आपके पास माध्य एम दे रखा था, यही माध्य दे रखा था। तो आप मुझे यह बताइए इस संख्या को ए प्लस बी प्लस सी बराबर थ्री एम कर सकते हैं ना, बाय थ्री ए प्लस थ्री एम कर सकते हैं। तो यहां आपको एक सोचने की बात यह है कि आपके पास ए स्क्वायर यह है और ए बी आपके पास यह है, तो संख्या तो वर्ग स्क्वायर के अंतर्गत आएगी, तो वर्ग अंतर्गत संख्या के अंतर्गत आएगी, तो ए ए प्लस बी प्लस सी, इसका आप पूर्ण रूप से समीकरण का वो करोगे क्या स्क्वायर करोगे, भाई पूर्ण रूप से आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यह संख्या आपके पास आप खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, यही मान आएगा ना कि आपके पास इस प्रकार का ही मान आएगा ना। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास ए है इस दो को आप कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मान था। अब आपको यही भी दे रखा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होता है, जीरो होता है, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए जो भी आपका मान है ये तो जीरो हो गया। ठीक है सर, भाई आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा, अब इसी का तो आपको मान निकालना था भाई, इसी को आपके पास मान निकालना था, जो इसी का मान निकालना, तो आपके पास ए प्लस बी सी इसका आप होस्टक में करोगे तो आपके पास तीन स्क्वायर आ जाएगा। अब यह देखिए भाई सम्मिलित रूप से आपका 3m है, 3m का होल स्क्वायर करोगे भाई, 3m बराबर होल स्क्वायर करोगे, और जो आपके पास संख्या क्या बच रही थी, यही बच रही थी, तो आपके पास 9m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आपके पास मान है। अब यहां आपको औसत एवरेज निकालना है, तो औसत एवरेज निकालोगे आप इसका, औसत एवरेज निकालोगे तो अच्छी तरह से औसत एवरेज आपको मैंने बता चुका है कि योग जितना भी आपका पास योग होगा और उन संख्या भाई जितना भी आपके पास योग होगा और उनकी जो भी संख्या होगी उनको डिवाइड करना है, तो आपके पास योग कितना आया, योग आपके पास टोटल ए प्लस बी सी बराबर नाइन आया, तो नाइन एम स्क्वायर, संख्या कितनी थी तीन संख्या, तो तीन से तीन ये कट गया तो थ्री एम स्क्वायर आएगा। तो यह आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान आपके पास 3m स्क्वायर आएगा। आयो
कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। मैंने आपके प्रकार ए सर्व समीका का प्रयोग किया है और पूर्ण सर्व समीका को खोलकर डायरेक्ट पूर्ण रूप से विस्तारित करके आपके पास ए एम का मान निकाल चुका हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं इसी पर आधारित, जिससे आपके क्वेश्चन को लगातार इसी पर आधारित बेस्ट क्वेश्चन करिए जिससे समझ में आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आप तो क्वेश्चन को समझने की और एक सटीकता से जानकारी रखिए जिससे किसी भी प्रकार की स्थिति में परिवर्तन ना हो और आप निराश होकर ना जाए। आप विश्वास रखिए, यदि आप इस चैनल पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो तो आप उस पर विश्वास कीजिए। आपको किसी भी प्रकार का यहाँ आपके पास समक्ष खड़ा होकर बात करेगा तो वो आपको गलत चीज नहीं पढ़ा सकता। उसका रूल नियम किसी भी प्रकार का स्थिति हो वो आपको गलत चीज और गलत स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास कोई भी इस प्रकार का रीजन नहीं हो सकता है कि एक यदि किसी भी प्रकार का आरोप या लगा दिया जाए तो यह कह देता है कि उसके स्टूडेंट के पढ़ने से या उस टीचर के पढ़ाने से इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई। नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपका क्रम है उस क्रम को आप करते रहे। और दूसरी बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि किसी दूसरे पर दाढ़ी दकोची करने से पहले अपनी खुद में स्वयं से झांक के देखिए कि हम किस परिस्थिति में कमी रहे और हमारी क्या मजबूताई में कमी रही। इस प्रकार की स्थिति को समझे, ना कि आप किसी दूसरे के ठोचने ठाकने पर देखें, ठीक है, ताकि जाके ना करें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी का माध्य एम है। भाई आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी का माध्य आपके पास एम है, ठीक है, एम, जहां ए प्लस बी जहां ए बी प्लस बी बराबर वन सी हो। भाई वन अपॉन ए प्लस बी अपॉन बी बराबर वन सी हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का मान क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां आप इस प्लस को उठा लीजिए क्योंकि आप भी भ्रमक हो सकते हो। ये आपके प्लस है और जिसमें ए प्लस बी ये एक इक्वल है, इन दोनों संख्या के बराबर है। जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकालना है, ए बी तीन संख्या है जिसमें माध्य जिसका एम है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन को आप, मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आपके पास इन संख्या का माध्य निकालोगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर थ्री एम आ जाएगा। अच्छी तरह से और पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि आप डिवाइड करोगे संख्या का योग बटा कुल संख्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर थ्री एम आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ आधारित से कर सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सॉरी प्लस वन सी बराबर जीरो, जीरो इक्वल के बराबर मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल आवश्यक रूप से मैं लिख सकता हूँ। तो आप इस संख्या को मल्टीप्लाई करते रहिए। आपके पास जो आपका कॉमन एल एस एफ आता है वो किस प्रकार से आता है? वो आपके पास ए बी सी आ जाता है। तो आपके पास ए बी सी आ जाता है तो यहां देखिए गुणा कीजिए, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, यही रहा कि आप डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास गुणे में ये संख्या आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी। अब यहां मुझे यह बताया कि आपके पास ए बी सी बराबर ये मल्टीप्लाई है तो जीरो, जीरो के बराबर आ गई, जीरो बराबर हो गई, जब जीरो बराबर हो गई तो बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बराबर आपके पास क्या आई? जीरो आई। यही हमारे कंडीशन इक्वेशन को बराबर करनी थी। अब मैंने अच्छी तरह से भी समझा रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आपके पास ए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट है। तो ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हो जाएगा तो आपके पास वो पूर्ण रूप से खुलेगा, दो में ये मान आ जाएगा तो जीरो और जीरो से दो मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। तो आपके पास समक्ष रूप में क्या संख्या बचती है? समक्ष रूप में संख्या क्या बचती है कि 3m, AB प्लस BC आपके पास 3m था। इस 3m को आपके पास वही स्थिति दोहरानी है कि आपके पास 3m स्क्वायर 9m स्क्वायर, यही है 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर बराबर A प्लस B प्लस C, भाई बराबर A प्लस B C, जिसमें ये मान निकालना था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर का मान आपके पास कितना है? इसको आप वर्क करते हो तो आपके पास तीन आ जाएगा, 3m। तो यहां देखिए 3m स्क्वायर बराबर 3m, तो यह तीन से तीन कट जाता है और 3m आपके पास रिमाइंडर बच जाता है।
आयोग की ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दो फॉर्मेट आपको इसी पर आधारित कॉन्सेप्ट कराया क्वेश्चन करवाए जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर। यदि आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से कर सकते हो। अब यहाँ फॉर्मेट चेंज होता है कि आपके एक सीरीज के रूप में दे दी जाती है, तो आप इतना टेम न करके आप उस फॉर्मेट के अनुसार किस प्रकार से निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया कि आपके पास जो भी आपका समांतर माध्य निकालना है, ये समांतर माध्य है, इस समांतर माध्य को आपके पास जितने भी फलन है सिग्मा एफ और उसका जो भी काउंटिंग संख्या है उसका डिवाइड करना है, उनका योग करना है और उनका भाग देना है। ठीक है, यह आपका फॉर्मेट समांतर माध्य का रहेगा। इस फॉर्मेट को आप चित्र से फॉर्मेले को याद करते रहिए। तो आपके पास कोई संख्या है जैसे 3, 5, 3, 5, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 6 का समांतर माध्य क्या होगा, समांतर मीन क्या होगा। तो यहां आपको संख्या देखनी है, कितनी संख्या है, या आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या है। चलो ठीक है, 10 संख्या है, तो 10 संख्या है। अब इनका योग कर लेते हैं, 8, 8 16, 16, 9, 16, 9, 16, 9, 25, 25, 32, 32, 34, 34, 5, 39, 39, 40, 9, या आपके पास 49 आ गया, तो समांतर माध्य कटेगा, तो 4.9 या आपके पास समांतर माध्य आ गया। मुझे आशा है कि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से याद रखें कि आपके पास समांतर माध्य निकालने तो जितने भी फलन होंगे उन फलन में जितनी भी संख्या होगी उनका डिवाइड करना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। अब यदि आपको यह दे दिया जाता है, अब और समांतर माध्य के अंतर्गत मैं बताऊं कि एक समांतर माध्य होता है जिसमें अनेक प्रकार की विचलन विधियां होती है, विचलन विधियां होती है। अब विचलन विधियां किस प्रकार से होती है, जो भी आपकी श्रेणी होती है, जो कि आपकी श्रेणी होती है, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी होती है, व्यक्तिगत श्रेणी होती है, एक आपके पास दूसरी संख्या आती है जिसमें खंडित श्रेणी आती है, इन प्रकार की श्रेणी, और एक आपके पास आती है सतत श्रेणी। इन तीनों श्रेणियों का आपके पास समांतर माध्य निकालना पड़ता है, और आपके पास समांतर माध्य निकालना पड़ता है तो मैं अच्छी तरह से एक एक आपके पास किसी भी प्रकार से जो भी आपका खंडित श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी है, अनेक प्रकार की श्रेणियों के बारे में मैंने बताया है, एक एक टोटल नंबर वाइज से करके और उनका सतत विवरण यानी समांतर माध्य है वो किस प्रकार से निकालते हैं। यदि वह आपके पास व्यक्तिगत श्रेणी आ जाती है, व्यक्तिगत श्रेणी आ जाती है तो आप उसमें क्या करोगे, यदि आपके पास खंडित श्रेणी आ जाती है या सतत श्रेणी आ जाती है तो आप उन संख्याओं का मान किस प्रकार से या समांतर माध्य किस प्रकार से निकाल सकते हो, इनके प्रकार की हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, हम करते हैं। अब सबसे पहले आपके पास खंडित श्रेणी, जो भी आपकी खंडित श्रेणी है उनके बारे में जानकारी करेंगे, जहां इसके अंतर्गत आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आपको पहचानने की जरूरत होगी। अब बारंबारता क्या होती है, बारंबारता, अब बारंबारता एक फलन है, बारंबारता का मतलब यह है कि आपका जो भी एफ का मान दिया होता है, एफ का मान दिया होता है जिसमें अनेक प्रकार की संख्या, जो आपको अनेक प्रकार की संख्या दी होती है, दी हुई होती है, उन संख्याओं को काउंटिंग करके या मल्टीप्लिकेशन करके उनका विवरण देना होता है, इन्हीं का यह बारंबारता है, जो आपको सारणी बनती है उसमें बारंबारता का कार्य करता है। तो मैंने आपको जो भी ये इन इस प्रकार के कॉन्सेप्ट या ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि क्या होती है क्या नहीं, थ्योरी के रूप में आएगा तो थ्योरी के रूप में मैं बताता रहूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए।
अब तो देखें खंडित श्रेणी में हम निकालते हैं सबसे पहले समांतर माध्य। खंडित श्रेणी का सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालते हैं। आपके पास कोई श्रेणी है, संख्याएं हैं, और संख्या हमेशा किस में आती है, x में आती है, क्योंकि हमारे को x निकालना है और समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य x ये हो गया और समांतर माध्य को बार लग जाएगा और जिसमें f फंक्शन बारंबारता आ जाएगी। अब यहां बारंबारता यह हो गया आपकी बारंबारता, ठीक है सर भाई, ये आपकी होगी बारंबारता और ये आपका fx हो गया। अब यहां ये आपका f था और ये आपका x था। अब संख्या आपके पास कितनी संख्या दे रखी है, कोई 10, 20, 30, 40 जिसमें आपकी बारंबारता दे रखी है कि यह संख्या है समांतर माध्य जिसमें संख्या 10, 20, 30, जिसमें आपको सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए कि कौन सी संख्या है, ये एक खंडित श्रेणी के रूप में बात कर रहा हूं मैं, खंडित श्रेणी के रूप में बात की जा रही है। इस खंडित श्रेणी की बात में अपडेट हो जाओगे सर, हाँ खंडित श्रेणी की बात की जा रही। अब बारंबारता कितनी है इसके अंतर्गत, भाई 10 एक बार आया और 20 वाली सीरीज आपके पास 4 आई, 4 और 3 और 2। अब मुझे ये बताइए आपको जो मैंने आपको दिया था कि यहां आपके पास सिग्मा एफ आपके पास कितना है, 5, 5, 5, 10। अब इसी प्रकार आपके पास इस x को आपको fx से गुणा करना है। fx से गुणा करोगे तो आपके पास किस प्रकार की समीकरण बनेगा, 10 या आपके पास 40, 80 या आपके पास 30, 90 या आपके पास 4, 80। तो आपका यह फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका यह फॉर्मूला आपका बनेगा f सिग्मा fx। तो fx में आपका टोटल कितना होगा, 80 मतलब 100, 180, 260 है। तो आपको निकालना क्या है, समांतर माध्य निकालना है, तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड सिग्मा एफ एक्स, सॉरी फॉर्मेट समांतर माध्य निकालना, तो आपके पास 260 डिवाइड में 10 तो 0, 10, तो आपके पास समांतर माध्य आया आपके पास 26। समांतर माध्य कितना है आपके पास, 26। इस क्वेश्चन का 26 समांतर माध्य है। 26 में किस प्रकार से संख्या काउंटिंग हो जाती है, इस संख्या के अनुरूप वो आगे संख्या निकालेंगे कि कितने प्रकार की अनुरूप से संख्या डिवाइड कर में हो जाती है। अब आपको फिर से एक क्वेश्चन करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं इसी के अंतर्गत। आज की समांतर श्रेणी का मतलब आपका जो भी इसका अंतिम क्वेश्चन, दी गई श्रेणी का समांतर माध्य 2600। अब देखो यहां आपको दे रखा है कि दी गई कोई संख्या है, दी गई श्रेणी है, उस श्रेणी का आपके पास समांतर माध्य। अब समांतर माध्य देकर कोई x का मान पूछा जाएगा, 26 है, इसी के प्रश्न में निकालेंगे कि समांतर माध्य 26 है हो तो x का मान निकालना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं, x का मान बताओ, तो आपको निकालना है जो आपको श्रेणी दी गई थी उनमें x का मान निकालना है। तो आपके पास संख्याएं उसी फॉर्मेट के अंदर निकालना है, संख्याएं हैं और बारंबारता fx, यहां आपके पास संख्याएं दे रखी थी, उन संख्याओं में क्या क्या संख्या दे रखी थी, 10, 20, 30,
40, ये संख्या दे रखी थी। अब बारंबार आपको ये दे रखी थी आपके पास किसी भी प्रकार का x हो उस x को निकालना है। 1x क्या था यहाँ पे, 1x से 3 और 2, ठीक है। तो यहां देख रहे आपके पास कितना है, 6 प्लस x है, ये आपका सिग्मा f है। अब आपको गुणा करना है मल्टीप्लाई 10x, मतलब 10, ये आपके पास 20x, ये आपके पास 30 90 और ये आपके पास 80, निकालना तो वही है सीमा एफ एक्स। तो आपके पास कितने हैं, 180 प्लस 20x, ये आई। अब ये संख्या आई तो आपको टोटल में निकालना है भाई, आपको तो समांतर माध्य निकालना है भाई, आपको समांतर माध्य है। देखो आपके पास डेटा लिखना है कि समांतर माध्य एफ एक्स आपके पास आया 180 प्लस 20x, ठीक है, और एफ फलन आया आपके पास 6 प्लस x। अब यहां स्पेस कम होने की वजह से आपकी एफ एक्स, अब मुझे ये बताइए आपको समांतर माध्य कितना दे रखा था, 26 माध्य दे रखा था भाई, समांतर माध्य आपको 26 दे रखा था, और एफ एक्स कम एफ सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 180 प्लस 20x, और इसी प्रकार एफ एक्स का 6 प्लस x ये मान दे रखा था। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए कि यहां मल्टीप्लाई अच्छी तरह से करना है, तो 36 12 13 15 156 प्लस 26x भाई मल्टीप्लाई दोनों तरफ से होगी, और 180 प्लस 20x, जहां आपके पास x वाली संख्या x के बराबर लिखो और जो नॉर्मल संख्या है उसको नॉर्मल के अंतर्गत लिखो, तो 26x बराबर 6x, तो ये घट गई। अब यहां 156 और 180, तो 156 और 180 में कितना अंतर हो रहा है, 24 का हो रहा है, तो x बराबर आपके पास 24/6, तो x का मान आपके पास 4 आ रहा है भाई, x का मान आपके पास 4 आ रहा है, देख लो आपके पास x का मान 4 आ रहा है, वही आपके पास यदि 4 आ रहा है तो यहाँ सिग्मा फलन आपके पास पहले कितना था, 4 प्लस 4 6 प्लस 4, तो 10 हो रहा था, बिल्कुल 10 हो रहा था। अब यदि आप 4 का मान यहाँ रखते हो तो 180 प्लस 20 इंटू 4, तो 180 प्लस 80 बराबर 260, 260 के अंतर्गत आप 10 का भाग दे दो तो आपके पास 26 समांतर माध्य आया, 26 समांतर माध्य था, और वही क्वेश्चन आपके पास निकल के आया। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, और फिर अगली कल वाली क्लास में इसी श्रेणी को लगातार, खंडित श्रेणी को लगातार चलाते हैं, फिर आपके पास अनेक प्रकार के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को सीरीज में करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे तो ठीडे की क्लास भी लिमिट की क्लास भी होना अच्छी है। तो अब अगली क्लास आपके पास रेशियो अनुपात की चलेगी, जिसमें समानुपात अनुपात रेशियो की चलेगी, समानुपात और अनुपात ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा ही है जिसमें समझ में नहीं आता। अब अगले कॉन्सेप्ट नए कड़ी के अंतर्गत नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। जय हिंद, और यदि चैनल पर फर्स्ट बार तो लाइक शेयर करते रहिए, जरा आप मुझ पर विश्वास करें, आपको आपका जो भी कोर्स है वो फ्री कॉस्ट कराया जा रहा है, जिसमें आप अच्छी तरह से मनोकामना है कि आप अच्छी तरह से पढ़े, और जो भी आपका कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो मुझे अपने आप शेयर कीजिए। और ध्यान रहे, अब से आपके 2 क्लासें प्रतिदिन होने वाली है मैथमेटिक्स की, ठीक है, मैथमेटिक्स की 2 क्लासें होने वाली है, जिसमें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। अब आपका भाई जो भी आपका आप मुझे किसी भी प्रकार से मानते हो, वो आपसे आपके समक्ष प्लेटफॉर्म पर होकर खड़ा होकर कह रहा हूँ कि आपके पास किसी भी प्रकार का धोखा या चीट नहीं किया जाएगा। मैंने बोल दिया वो कहाँ रहे करके ही रहेगा, चाहे आप 1 देखो 3 देखो किसी भी प्रकार की स्थिति को देखो, आपका जो मेरा सपना है वो आपको लक्ष्य करना और आपको उद्घाटित करना है, और आपकी इच्छाओं का गला नहीं घोटा जाएगा। जय हिंद।